नमस्कार, जय शर्म। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य नितेश पांडे, ज्योतिष वास्तु विशेषज्ञ, आज पुनः अपने चैनल के माध्यम से मोर पंख भगवान श्री कृष्ण क्यों धारण करते हैं, क्या है इसकी वास्तविक रहस्य व कहानी, जानेंगे आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से करवत निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पसंद आने पर इससे अधिक लोगों में शेयर करें। और ऐसी तमाम ज्ञान भरी कहानियों को जानने के लिए, सुनने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्यों धारण करते हैं मोर पंख। शास्त्रों में जो वर्णन है वह यह है कि ब्रह्मचर्य का प्रतीक है मोर। 84 लाख योनि में मोर एक ऐसा पक्षी है जो सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ब्रह्मचर्य ही रहता है। कैसे? बहुत सारे लोगों के मन में यह संदेह उत्पन्न होगा कि अगर मोर ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो फिर मोरनी गर्भ धारण कैसे करती है। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि मादा मोर जो है मोरनी नर मोर के आंसुओं को पी के गर्भ को धारण करती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है मोर, और यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे पवित्र मोर पंख को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो प्रथम जो शास्त्रों में वर्णन है यह। द्वितीय, भगवान श्री कृष्ण राधा जी से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार का बात है कि श्री कृष्ण देव बांसुरी बजा रहे थे और उस बांसुरी की धुन को सुन के राधा जी अपने महल में नृत्य करने लग गई। उनके उस नृत्य को देख के मोर भी नृत्य करने लग गया और नृत्य करते समय उसके मोर पंख जो है राधा जी के चरणों में आ गए, जिसको भगवान श्री कृष्ण राधा जी का प्रेम समझ के उसे अपने उनका प्रेम प्रतीक समझ के उसे अपने मस्तक पे धारण किए, ऐसा भी वर्णन शास्त्रों में सुनने को मिलता है। तीसरा, भगवान श्री कृष्ण शत्रु का विशेष ध्यान रखते हैं। कैसे? तो भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई हैं वह शेषनाग के अवतार है। बलराम जी जो है शेषनाग के अवतार माने जाते हैं और शेषनाग में और सर्प में कभी मित्रवत संबंध नहीं होता, यह एक दूसरे के परम शत्रु हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण माथे पे मोर पंख लगाकर यह संदेश देते हैं कि वह शत्रु का भी विशेष स्थान रखते हैं, वह विशेष स्थान देते हैं। उनके मन में किसी के लिए प्रेम जितना है उतना ही उनके मन में किसी शत्रु के लिए स्थान है, जितना कोई उनको प्रेम करता है तो उनके लिए कोई शत्रु नहीं है, सभी उनके जो है प्रेम के प्रतीक हैं। चौथा, शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण को काल सर्प दोष, तो काल सर्प दोष के दूर प्रभाव के दूर करने के लिए गुरु उपदेश के कारण वह सदैव अपने पास मोर पंख को रखा करते थे। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है जिसके कुंडली में काल सर्प दोष हो वह मोर पंख अपने साथ रखता है तो इससे उसके कुंडली के बुरे प्रभाव दूर। चौथा जो कारण है वह यह है कि बाल्य काल से ही भगवान श्री कृष्ण की जो प्रीति थी वह गौ में थी। भगवान श्री कृष्ण को गौ अति प्रिय था, माखन दूध दही यह भगवान को अति प्रिय था। इसलिए जब वह श्री कृष्ण भगवान गौ को चराने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाया करते थे तो यह देखकर गौओं का उनके साथ प्रीति देखकर मोर भी वहां एकत्रित हो जाया करते थे और गौ के साथ मोर जो है चारों तरफ से भगवान श्री कृष्ण को घेर लेते थे और अपने नृत्य से उनको प्रसन्न करते थे। इस कारण से भी भगवान श्री कृष्ण को गौ और मोर अति प्रिय मानते हैं उनको, और इसी प्रीति के कारण वह जो है उन्हें अपने मस्तक पे धारण करते हैं। और बाल्यकाल से माँ यशोदा भी भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख मस्तक पे लगा के रखा करते हैं। तो इन भिन्न भिन्न कहानियों से यह प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण मोर से क्यों और किस लिए प्रेम करते हैं।
इस वीडियो से आप सभी को यह स्पष्ट हो गया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री।